Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are good. So, हम डी एन ए का टॉपिक जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें से हमने टॉपिक को हमने हाफ जो था वो डिस्कस किया था, तो फर्दर जो उसका पार्ट रहता है उसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे. डी एन ए को जो हम ब्रीफली स्टडी कर रहे थे. अच्छा, हमने पीछे जो था वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाले की बात की थी. अब हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की बात करेंगे. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की हमने बात की थी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसमें हमने कहा था कि डिटर्मिन किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो हमें मिल जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अच्छा, अब अगर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की और साथ में हम विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन की अगर हम बात करें, दोनों को मिला के हमें अगर हम डीएनए की स्टडी को देखें, बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, आपको डीएनए का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, मॉडल प्रोवाइड किया था. एक बहुत मशहूर ज़माना ये वॉटसन क्रिक मॉडल था. ठीक है, तो अब क्या था कि उन्होंने, अगर हम इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को देखें, तो हमें क्या पता चलता है कि डीएनए बेसिकली क्या है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये डबल हेलिक्स है. ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि कॉइल्ड होती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड होती हैं एक दूसरे के अराउंड. ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दो हेलिक्स होते हैं इसके, दो स्ट्रेंड्स होते हैं इसके. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एंटी पैरेलल है. अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अक्सर पूछा जाता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रेंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो स्ट्रेंड्स हैं, ये क्लॉक वाइज हैं, एंटी क्लॉक वाइज हैं, यानी वन इज क्लॉक वाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉक वाइज. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली होता क्या है, ये क्लॉकवाइज होते हैं. अच्छा, अब अगर हम उनके स्ट्रेंड्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें, ये तो यहाँ पर आपको ये दो स्ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला अगर हम इसके बात करें, ये वाला जो है एक ये वाला स्ट्रेंड है इसका, दूसरा स्ट्रेंड जो है ये वाला स्ट्रेंड है. तो यहाँ पर जो एरो है ये शो कर रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, क्या है ये क्लॉकवाइज है. उसके बाद अगर हम इन दोनों को देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ये वाला स्टैंड है, अगर हम नीचे स्टैंड की बात करें, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 3 to 5 prime होता है. ठीक है, अगर एक 3 to 5 prime होगा तो सेकंड वाला जाहरी बात ऑब्वियस बात है कि वो 5 to 3 prime यानी उसके एंटी पैरेलल होगा. ठीक है, ऑपोजिट होगा उसके. अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी के एंटी पैरेलल की, तो हमने बात कर दी कि हमें पता चल गया कि क्लॉकवाइज ही होता है. फिर हम इसकी स्टेंट्स की बात की, एक 3 to 5 prime रन करता है, दूसरा 5 to 3 prime जो है वो रन कर रहा है. अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अच्छा, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें, ये 3 to 5 prime वाला खोल के उन्होंने बता दिया आपको, ये 5 to 3 वाला, ये दोनों को उन्होंने स्ट्रेट शो कर दिया उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए. अच्छा, जब हमने शुगर और फॉस्फेट का वो स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने देखा था कि शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो सेंटर पे इस पोजीशन पर अटैच होते हैं. तो क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है वो ये स्ट्रक्चर की यहाँ पर इस सेंटर में आ जाती हैं. ठीक है, थीके? बाकी जो स्टेंड है यहाँ पर शुगर फॉस्फेट, अब देखिए हम यहाँ पर हमारे पास ये शुगर लगी हुई है. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसके साथ. तो यहाँ पर भी ये शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो क्या था इनके सेंटर में. अब अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे थायमिन तो अल्टरनेट बात है कि यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एडिनिन होगा. ठीक है, एट जी सी जिसकी हमने बात की थी कि जी का सी के साथ बनता है ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और टी और ए की हमेशा क्या होती है, डबल बॉन्डिंग. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है. ठीक है, हम कंटिन्यूस बॉन्ड नहीं शो करेंगे, हम डॉटेड बॉन्ड शो करेंगे. तो ए का टी के साथ और जी का हमेशा सी के साथ बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर. ठीक है, इसलिए एंटी पैरेलल होता है. यहाँ पे देखें, अगर थायमिन है तो एडिनिन के साथ होगा, गवानिन है तो साइटोसिन के साथ होगा. तो इस तरह ऑल्टरनेट इनके यहाँ पर इस तरह के सारे अटैच होते हैं. अच्छा, अब अगर हम बात करें 10 base pairs इन 1 ton. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हम यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को देखें, तो ये वाली जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको हमने ग्रूव में करते हैं. ये हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, इसको हम कहते हैं ये माइनर ग्रूव है. ये वाला टर्न जो है ये यहाँ पे हम इसको कहते हैं ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ये मेजर ग्रूव है. ठीक है, माइनर और मेजर, यहाँ पे अगर माइनर है तो इसके सामने वाला मेजर होगा, यहाँ पर मेजर इसके सामने वाला माइनर ग्रूव होते हैं ये.
अब यहाँ पर हमने कहा 10 बेस पेयर जो है वो इन ईच स्ट्रैंड में 10 बेस पेयर कंटिन्यूस बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर यानी ये जो एट जी सी ये पेयर्स की फॉर्म में है, यहाँ पे ये पेयर बन गया है और ये तो 10 एक, अगर हम यहाँ पर टर्न में बात करें ये आपका पूरा एक टर्न बनता है ये वाला, तो इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अब ठीक है, और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो हमने कहा 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, एक टर्न की यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंथ देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर जो दो कंजेक्टिव अगर हम पेयर्स की बात करें बेस पेयर्स की, तो उनके जो सेंटर में हम कहते हैं कि वो उनकी लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा, तो वो होगा 0.34 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड के जो सेंटर में हमने कहा यहाँ पर इतनी जो होती 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो कंटिन्यूस बेस पेयर में हम दो कंटिन्यूस बेस पेयर्स को देखते हैं तो उनके सेंटर में क्या होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम उसकी वो होती है, उनके डिस्टेंस होता है। उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीएनए की हम बात करते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीएनए होती है जिस तरह हम बात करते हैं कि जितना किसी भी स्पीशी के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है, तो इट मीन अब 40% हमने कहा डीएनए होता है, 60% हिस्टोन प्रोटीन होती है, किसमें क्रोमोसोम की अगर हम बात करें। जिस तरह क्रोमोसोम नंबर फिक्स है इसी तरह आपके डीएनए की अमाउंट भी फिक्स ही होती है हर स्पीशी के अंदर, ठीक है। अब ह्यूमंस की मैंने बात की 46 क्रोमोसोम्स होते, इट मीन्स कि वहाँ पर डीएनए की अमाउंट जो है वो फिक्स्ड होती है वहाँ पर। हम अब किसी भी बॉडी में जो है वो दो तरह के होते हैं अगर हम स्पीशी की बात करें, जर्म लाइन सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है। अब जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड नंबर होते हैं, ठीक है, यानी डबल नंबर होते, 2n से हम शो करते हैं डिप्लॉयड होते हैं। फिर ये डिप्लॉयड नंबर होते हैं क्योंकि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वन इज आप इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर मदर एंड अदर सेट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, तो मिलाकर क्या होता है आपका वो 2n हो जाती है, यानी डबल अमाउंट ऑफ होती है डीएनए डबल हो जाता है। अब जर्म लाइन सेल की बात करें तो जर्म लाइन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, n से हम शो करते हैं हैप्लॉयड होते हैं। क्यों वो हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो रिडक्शन डिवीजन हुई होती है, यानी मीओसिस के थ्रू जब ये गुजरते हैं आपके सिमेंटिक सेल्स क्या होते हैं ये गुजरते हैं, तो 2n वो आपकी रिडक्शन डिवीजन होती है और अमाउंट उसकी हाफ रह जाती है, ठीक है। हाफ क्यों ना, रिडक्शन डिवीजन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फिर बाद में इसने जो जाके जब एक सेट पेरेंट से दोनों पेरेंट से उसने इनहेरिट करना होता तो वहाँ पर जाकर फिर 2n दोबारा इसकी डिप्लॉयड नंबर हो जाते हैं, वहाँ पर जाके कंप्लीट पूरा एक सेट बन जाता है, इसलिए वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो फिर वो पूरा एक स्पीशी बन जाता है कि 2n वहाँ पे हो जाती है, n रहती है रिडक्शन दोनों तरफ से, n n लेकर 2n में डिप्लॉयड नंबर इसका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे चिकन एंड कार्प जो है वो कार्प एक फिश है, तो इनका वो यहाँ पे अब कंपैरिजन दिया गया कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कितनी है। अब रेड ब्लड सेल में अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए देखें 2.3 होती है, कार्प में देखें 3.3 है, लीवर सेल हैं चिकन में 2.4 हैं इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब लीवर सेल में है, फिर कार्प में 3.3 है, किडनी सेल में अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2.4 है एंड कार्प में 3.3 है, स्पर्म सेल में देखिए 1.3 है एंड 1.6 कार्प में होती है। मैं डीएनए के अमाउंट आपको ये कंपैरिजन बताया गया कार्प एंड चिकन के अंदर। अच्छा, कुछ अगर हम थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ईकोलाई क्या है। ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरियम पाया जाता है, एस्क्रेशिया कोलाई होती है। तो यहाँ पर हम अगर अंदाज़ा लगाने की बात करें, सारी बात है कि डीएनए जो है वो ढेरों डीएनए प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए फिर उसमें काफ़ी मिलियंस में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोई एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, लेकिन हम ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं ईकोलाई क्या है, बैक्टीरियम जो है। अच्छा, अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वगैरह, उसमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एन होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने कहा 5 मिलियन बेस पेयर होती है, तो यही टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 46,39,221 बेस पेयर्स हैं अगर हम अंदाजन बात करें। इतने बेस पेयर्स हैं तो क्या होता है कि अच्छा, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी जीन की बात करें तो ये बेस पेयर्स जो हैं वो मिलकर एक जीन बनाते हैं, ठीक है। और जीन क्या करती है, वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है, ट्रांसक्राइब हो गए मैसेंजर आने मतलब वहाँ से प्रोटीन्स बनाते। तो जीन क्या होता है, कोड होता है, कि जीन के अंदर कोड मौजूद होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चीज़ कैसे बननी है, ठीक है। तो ये बेस पेयर्स में दो तरह के आपके डीएनए होता है, हेट्रोक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन होता है। हेट्रोक्रोमैटिन मतलब नॉन कोडिंग होता है, ट्रांसक्राइब नहीं होता, मैसेंजर आ रहा है नहीं बनाता, उससे प्रोटीन्स नहीं बनती हैं जो फर्दर आपकी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही हैं। यूक्रोमैटिन जो होता है ये कोडिंग होता है, जिससे कोड होता है, तो जिससे आपकी फर्दर प्रोटीन्स बनती हैं। कितनी है, 42,88 यानी 4,288 जो प्रोटीन्स जो हैं इन बेस पेयर से बन रही है, जिसमें से जितनी भी कोडिंग थे आपके
सीयर उसी ये प्रोटीन्स बनती हैं। अब अगर हम बात करें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। 28 जुलाई 1995 में कंप्लीट, जिस तरह आपका तो 90s से स्टार्ट 2003 तक चलता रहा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिसमें वो पूरा एक जीनोम को सीक्वेंस किया गया था। तो 28 जुलाई 1995 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा फर्स्ट टाइम जो था इसका पूरा एक सीक्वेंस जीनोम का जो था वो डिटेल्ड में बताया गया था रिटन फॉर्म में, ठीक है, रिटन फॉर्म में बता दिया गया था। तो ये थे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर था, तो आपको स्लो स्लो जो था वो समझाने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लिया करें। एंड ये लेक्चर हमारा यहीं था, नेक्स्ट हम फिर आने को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपसे रह ना जाएँ आपके। और कोई अगर इस चैप्टर का कोई भी अगर आपसे मिस आउट हुआ तो वो लिंक आई बटन में होता है, तो आप काइंडली वहाँ से देख लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।